और सुन, इस घर में तू अपनी थुथड़ी को लेकर दोबारा मत आ जाइए। हाँ, मुझे भी नहीं रहना इस घर में, गरीबी के अलावा और कुछ ना हो। हाँ हाँ, निकल, ठीक है माधरचोद। और हाँ, अगर इस घर में अगर दोबारा कदम रखूं मैं तो मेरी दोनों टांग काट कर बीच चौराहे पर लटका देना। जा रहा हूँ मैं। जीते रहो बेटा, कामयाब होके ही लौटो। ए अम्मा, बैग ले रहा हूँ, प्यारे छुरा। चल निकल भोसड़ी के घर से झाटू। भोसड़ी के इस घर में दोबारा पैर मत रखना माधव। चल बुड्ढा, जाता रहा हूँ। निकल जा साले, इस घर में दोबारा कदम मत रख दिए। हाँ हाँ ठीक है बुड्ढे, जा रहा हूँ, जवान लड़के को घर से निकाल ला है। चलो तो बैठ कर बात करते हैं। चलो आओ चौधरी बैठ कर बात करते हैं। नितिन भाई, तुम्हें क्यों निकाल दिया घर से तुम्हारे बाप ने? अरे यार, मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी तो मैंने पापा का पर्स चुरा लिया। कितने पैसे थे नितिन भाई पर्स में? अरे यार, पर्स में 5। क्या 5? यार कितना कुत्ता किस्म का आदमी है तेरा बाप, 5 रुपए के पीछे साले ने अपने बेटे को घर से बाहर निकाल दिया। अबे बावली कांड, भोसड़ी के पर्स में 5,000 रुपए थे। और तुम्हें क्यों निकाला साल भाई घर से? अरे यार, मेरे पापा को मेरी सेटिंग के बारे में पता चल गया था। तो इसमें घर से निकालने वाली कौन सी बात है? घर से निकालने वाली तो कोई बात नहीं थी नितिन भाई, और जो मेरी सेटिंग थी ना, तो वो लड़की नहीं लड़का था। अरे तुम भी फलान सिंह ही दिखते हो, तुम्हें लोन नहीं मिला और कोई नहीं मिला तुम्हें? Oh, no. नितिन भाई छोड़ो ये सब बातें, अब ये बताओ आगे क्या करना है? करना क्या है, रहने के लिए पहले मकान ढूंढते हैं फिर जॉब। चलो फिर चल के मकान ढूंढते हैं। हेलो नितिन भाई, इधर बात करते हैं। No. अरे काका, मालिक किधर है? हाथी के भोसड़े तो साथ साथ ही दिखाई नहीं दे रहा। चल निकल, भोसड़ी के भोग बैठा है मालिक। शेड़ी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, बैठो। आदमी थोड़ी है, सांड है भोसड़ी का, सिरकट की गांड जो मार रखी है। क्या कह रहा भोसड़ी के, मुझे सब सुनाई दे रहा है, दोनों की गांड पला तुम्हारे घर से बाहर निकाल दूंगा। अभी काहे को गांड जा रहा है भोसड़ी के, जिस काम का आया उसी काम कर ले। साले गांड खुजा खुज रहा है, मेरा नाम लगा रहा है। इंग्लैंड क्या कह रहे हैं ये मालिक, तुमको उनकी गांड मुझे डाल को उठा। चल जा भी, जाकर तू अपने पौधों में पानी लगा ले। बता देना मालिक, इनकी गांड मुझे डाल के नहीं टट्टी निकाल लूंगा। No. अरे मालिक, हमें किराए पर कमरा चाहिए। हाँ कमरा मिल जाएगा। बता दो मालिक, एक कमरे का कितना किराया ले हुए? एक कमरे का 5,000 रुपए है महीने का। और हाँ, 3 महीने का एडवांस चाहिए। अगर टाइम पे किराया नहीं मिला तो मेरा नीचे वाला ऐसा है, याद रखना। अजी मेरा फलान, 5,000 रुपए
रंडी भी नचाओगे कमरे में? 5,000 रुपए किराया है। अबे चुप भोसड़ी, क्या तुम क्या रंडी से कम हो क्या? मालिक कभी टोपा हो क्या? रंडी और लड़के में फर्क नहीं दिखाई देता क्या? ओह नो, कभी कभी हम भी आया करेंगे मुजरा देखने। अरे भाई हमें कमरा चाहिए और ये लो अपना एडवांस, ये लो पूरे 5,000 रुपए। भाई साहब कमरा तो दिखा दो आप, यह तो रहा कमरा, जाकर देख लो। No. भोसड़ी का ये कमरा है या उसका कोठा? चलो भोसड़ी वाले से पैसे वापस लेते हैं। ये कमरा है बहन का भोपड़ा या उसका कोठा? हमें नहीं चाहिए रूम भूम, हमें हमारे पैसे वापस दो। ओह नो, कौन से पैसे और किसे चाहिए पैसे बताओ? किसे लेने पैसे? किसे चाहिए पैसे? मैंने पहले ही कहा था बहुत मोटा है मेरा, भोसड़ी वाले हो, निकलो भोसड़ी हो, कभी तुम पैसे अभी मालिक। मालिक हरामी है भोसड़ी का, पैसे भी ना दिए भोसड़ी वाले ने और ना रूम दिया। नितिन भाई अब क्या करें, अब तो पैसे भी नहीं रहे और कमरा भी नहीं मिला। यार घर चले वापस, यार बुड्ढा बहुत मारेगा, बहुत हरामी है हमारा बुड्ढा। तुम बड़े तो हो गए हो लेकिन अगल तुम्हारी बावली गंड वाली है। माँ बाप किसी के बुरे नहीं होते, चलो चल के देखते हैं। भाई मुझे डर लग रहा है बुड्ढे से, बुड्ढा मारेगा, बहुत हरामी है बुड्ढा, चलो चल कर देखते हैं। यार डर लग रहा है कि बुड्ढा ना मारे। अरे दोनों अंदर कहाँ चले जा रहे हो? पापा हमसे गलती हो गई, हम दोबारा घर से बाहर जाने की सोचेंगे भी ना। फ्लैशबैक में जाओ, क्या कह के गए तुम? पापा अगर मैं इस घर में दोबारा लौट के आ जाऊं तो मेरी दोनों टांग काट कर बीच चौराहे पे लटका देना।